मोहन, मोहन। जी दीदी। दीदी मत कहो मुझे, मैडम कहने की आदत डाल लो। मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं लगती हूँ। जी मैडम। जाओ मेरे लिए एक ग्लास जूस लेकर आओ। जी मैडम। और सुनो, आइस मत डालना। हेलो, मिस्टर पाटिल हैं? जरा बात करवाइए। हेलो मिस्टर पाटिल, मैं चंद्रिका सोमानी बोल रही हूँ। मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ? देखिए मिस्टर पाटिल, ये काम भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपको फ़ोन नहीं करती। आप प्लीज़ मेरा ये काम जल्द से जल्द करवा दीजिए। जो खर्चा होगा वो मैं दे दूँगी। थैंक यू। क्या बात है बेटी, कोई तकलीफ है क्या? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कैसे कैसे आलसी लोग भरे पड़े हुए हैं। लेकिन हुआ क्या? मैंने मंजुला देवी के राशन कार्ड में दो नाम बढ़वाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। भाभी माँ के राशन कार्ड में? लेकिन लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में सभी के हक अलग अलग तो हो ही गए हैं, राशन कार्ड भी अलग अलग होंगे। और वैसे मैं आप लोगों के पर्सनल मामले में दखल तो नहीं दे रही हूँ, मैं मंजुला देवी के राशन कार्ड में नाम बढ़वा रही हूँ। तुम भी ज़्यादा टेंशन मत लो बेटी, बहुत छोटा सा काम है, हम लोग एक फ़ोन करेंगे ना तो ये काम हो जाएगा। लेकिन भैया, राशन कार्ड में नाम बढ़वाने के लिए नाम लिखकर तो देना पड़ेगा ना। हाँ सो तो है, तुमने अपना नाम तो बेटी चंद्रिका सोमानी बताया है ना, जो तुम राशन कार्ड में बढ़वाना चाहती हो। जी हाँ। और दूसरा नाम? नाम तो बताना ही पड़ेगा ना बेटी। आप लोग मेरा नाम तो जान ही चुके हैं, रहा सवाल दूसरे नाम का, तो ये नाम अगर आप अपनी मंजुला देवी से जाकर पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम आपका जूस मेरे कमरे में ले आओ। चलिए ना भैया। आइए भैया, चलें। चलो। क्या बात है, कौन सा रूम है? रूम तो यही है भैया, लेकिन लेकिन ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? चलो अमित देखते हैं, अमित देखते हैं ना, हम आते हैं भैया। हवलदार साहब। जी वो ये कमरा, ये स्पेशल सिक्योरिटी वाला रूम है, अंदर जाना मना है। हवलदार साहब, हम लोग सिर्फ पेशेंट से एक बार मिलना चाह रहे थे। बोला ना, कोई भी अंदर जाना मना है। जी कोई भी नहीं जा सकता? नहीं, मतलब हम लोग विजिटिंग आवर्स में भी नहीं मिल सकते? नहीं, खाली पेशेंट की बेटी को अलाउ है, तुम लोग जा सकते हो। भैया
चलिए उठिए, अब आप दवाई ले लीजिए। राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया, भैया बात क्या है? भैया बताइए ना, आपने कमरे में क्या देखा? भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तुम लोग जानना चाहते हो मैंने क्या देखा? मैंने वहां पर एक आदमी को बैठा देखा। भैया प्लीज, भैया प्लीज टेक इट इजी, भैया प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। भैया रिलैक्स, भैया 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 आई एम ओके, आई एम ओके। भैया भैया लेट्स गो। कुसुम तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और सुप्रिया है ना हमारे साथ, तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? अरे सुप्रिया आओ, हम तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा, हाँ दीदी, अभी आपका नाम लिया और आप आ गई। 100 साल की उम्र होगी आपकी। अरे ऐसी क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? सुप्रिया, तुम्हारा जितना एहसान माना जाए कम ही है। कुसुम और मेरे जीवन में अगर आज खुशियाँ हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मामी जी फिर से वही बात शुरू कर दी ना आपने। आप क्या चाहती हैं, मैं यहाँ से चली जाऊं? कुसुम तुम खुश तो हो ना? सच पूछो तो तुम्हारा उदास चेहरा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बहुत खुश हो दीदी, बल्कि मम्मी मुझे अभी इसी बात पर डांट रही थी कि आप हो तो मेरी भाभी लेकिन मैं आपको दीदी कहती हूँ। तुम ठीक ही तो कह रही हो, तो मेरी ननंद थोड़ी ना, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। दीदी अब अपनी छोटी बहन और दीपक को घर जाने की इजाज़त दीजिए। क्या ये तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तो हम इतने सारे टेंशन से बाहर निकले, तुमसे इत्मीनान से बैठ कर मैं बात भी कर पाई और फिर बहुत जल्द हम प्रिया का केस भी जीत जाएंगे, वो खुशखबरी तुम सुनकर ही जाओगी। अब ठीक कह रही है दीदी, लेकिन दीपक की नौकरी भी चली गई है और दूसरी नौकरी भी तो ढूंढनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद दीपक प्रकाश के साथ काम करेंगे उनके नए बिजनेस में। क्या? हाँ मैम। सुप्रिया ये तो तुमने और ही एहसान किया है हम पर। मामी जी आप फिर से शुरू हो गई ना, मैं कह दे रही हूँ मैं चली जाऊंगी। हाँ इस तरह परेशान नहीं होते सुषमा। चाची जी कैसे परेशान न हो, आप तो राहुल का नेचर जानती है ना, बहुत गुस्से वाले हैं वो। और फिर हॉस्पिटल की हकीकत जानने के बाद उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया ना, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है, कहीं राहुल गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर बैठे। सुषमा मैं मानती हूँ
इस टाइम हमारे घर में ऐसे हालात पैदा हो गए जिसके बारे में हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था। लेकिन इस तरह डरने से काम नहीं चलता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं समझाऊंगी राहुल को। ये ठीक है उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो समझदार है सुषमा, वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा। तुम हिम्मत रखो। चाची जी कोई छोटी मोटी बात होती तो मैं हिम्मत रखती थी, लेकिन ये तो मम्मी जी की बात है। और फिर मैं आपसे पूछती हूँ चाची जी, मम्मी जी कैसी माँ है, अपनी बेटे की जिंदगी में आग लगाकर उस चंद्रिका को गोद में लिए बैठी है। ऐसे क्या देख रही हैं? ये वही पेपर्स हैं, राशन कार्ड वाले। और आपको सवाल नहीं, केवल साइन करना है। लीजिए। मम्मी आप इतनी परेशान क्यों हैं? बिटिया रानी, आप सोचने को क्या रह गया है? मेरा तो मन खराब हो गया है। ये कैसी अनहोनी हो गई, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। मेरा तो जी करता है कि मैं जहर खाकर मर जाऊं। नहीं मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने कभी सोचा अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी इस बेचारी बेटी का क्या होगा? मेरी बिटिया रानी, कंप्लेंट्स। गुप्ता तो ये आदत हो गई कंप्लेंट करने की। मैं पूछता हूँ अगर दो दिन पेमेंट लेट हो गया तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा? गुप्ता मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, ओके? अरे मैं गुप्ता नहीं, मैं प्रांजल बोल रही हूँ। सुरेंद्र, अब जो सारी परेशानियां तुम्हारे नसीब में लिखी है ना, उनसे तो तुम बच नहीं सकते। प्रांजल तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मुझे ऑफिस में काम करने दो, बहुत काम पड़ा है यहाँ पर। तुम ऑफिस का काम छोड़ो और घर पर फौरन आ जाओ। क्यों, घर में ऐसा क्या है? अरे जो बात घर में नहीं हुई है ना, वो बात अस्पताल में हुई है। तुम्हें पता है सुरेंद्र, जिस कमरे में बड़ी माँ जाया करती थी ना, उस कमरे में एक आदमी एडमिट है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब पता नहीं वो आदमी कौन है, और फिर बड़ी माँ और उस आदमी का कहीं। एनीवे, छोड़ो ना इन बातों को, तुम फौरन घर आ जाओ ना, फिर हम यही बातें करेंगे। बड़ी माँ की परेशानी अपनी जगह ठीक है निधि, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो। भाभी, अब विश्वास करने को बाकी क्या रह गया है? अब अस्पताल के कमरे में जो कुछ भी देखा है वो राहुल भाई ने खुद अपनी आंखों से देखा है। और राहुल भैया, वो हमसे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? झूठ? निधि, राहुल भैया की आंखों में और चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने कितना कड़वा सच देखा है। वीरेंद्र भैया, लेकिन अब हम क्या करें?
नहीं दिए तो भगवान ही जाने, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो अगर वो आदमी हमें मिल भी जाए तो मुझसे पूछेंगे क्या? अब उस आदमी से क्या पूछे कि बड़ी मां से उसका क्या रिश्ता है? I don't believe it. आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मम्मी ने भी बिल्कुल ठीक कहा था कि अब हम किसी को कुछ पूछने लायक नहीं रहे, और किसी से कुछ पूछने क्या, अब तो हम किसी को कोई जवाब देने लायक भी नहीं रहे। हे देवी मां, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। मैंने तो इस घर को जोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन आज मुझे इस घर के सबसे मजबूत दीवार टूटती हुई नजर आ रही है। हाँ, वही दीवार जिसमें कभी कोई दरार तक नजर नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता देवी माँ। तू लाख परीक्षा ले, लेकिन तू इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। मैंने आज तक तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा माँ, हमेशा दूसरों के लिए ही प्रार्थना करती आई हूँ। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ अपने लिए मांगने आई हूँ। बड़ी माँ के प्रति जो मेरा विश्वास है वो हमेशा बनाए रखना, कभी टूटने मत देना, कभी टूटने मत देना देवी माँ। कैसा विश्वास और किसका विश्वास चाचा जी? आप लोग अभी तक इस विश्वास नाम के फरेब में ही अटके हुए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नाम के शब्द में ही विश्वास नहीं रहा चाचा जी। जब एक माँ इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है तो दुनिया के तमाम डिक्शनरियों से माँ, ममता और विश्वास जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। राहुल बेटे, ये क्या कह रहे हो तुम? शांत हो जाओ। धीरज रखो राहुल, धीरज रखो। ये जो कुछ हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, हम करें तो करें क्या? आप लोग इसलिए कुछ नहीं कर सकते चाचा जी क्योंकि आप लोगों का उस औरत से देवरों का रिश्ता है, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ चाचा जी, बहुत कुछ। राहुल बेटे शांत हो जाओ। हाँ चाचा जी, मैं मंजुला देवी का खून भी कर सकता हूँ और खुद को भी गोली मार सकता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे रोकिएगा नहीं। अरे बेटे तुम नहीं, चाचा जी मैंने कहा ना मुझे रोकिएगा नहीं। चाचा जी मैंने कहा ना। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो राहुल? मेरी बात सुनो, हम समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। चाचा जी मैं नहीं रुक सकता। धीरज रखो बेटा, संभालो अपने आप को। धीरज रखो।